फेलोज, स्वागत है आप लोगों का हार्डकोर के एक और एपिसोड में। अगर आप लोग हार्डकोर सीरीज एंजॉय कर रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोग बाकी के अपलोड्स मिस ना कर दो। मैं तुम्हें ये भी रिकमेंड करूंगा कि आजकल के जो एपिसोड्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी गेम के हों या फिर जो भी रीसेंट वीडियोस हैं, प्लीज चेक इट आउट, सारी फनी है, ट्रस्ट मी, वॉच इट। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने नेदर बैस्टियन को रेड किया था, जहां से हमें मिला था नेदरराइट टेम्पलेट, वो चुरा लिया हमने, फिर केव में जाके डायमंड्स ले आए, उसे डबल ट्रिपल फ्रोपल कर दिया। देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारा टास्क था एंशियंट डिब्री लाना, जो कि टीएनटी मेरे पास बची थी, वो मैंने यूज कर ली पर उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो मेरा नेक्स्ट जो परफेक्ट प्लान है मेरे पास, वो है एफिशिएंसी 5 वाली पिकैक्स को यूज करना और बस मशीन गन की तरह भून देना नेदर को, ताकि हमें एंशियंट डिब्री जल्दी से मिल सके। ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ सर्वाइवल वर्ल्ड में, जब एंशियंट डिब्री आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी माइनक्राफ्ट में, तब। अब यही काम करने का टाइम है हार्डकोर वर्ल्ड में, और ये बहुत इजी है, मेरे को याद है, वो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा आज। तो मेरे को ना लाइब्रेरियन बनाना था जो मेरे को एफिशिएंसी 5 दे सके। मैं तुम्हें ये भाई, ये पता नहीं कितने सारे, ये सारे पिगलिन यहीं पे आने लग रहे हैं। अभी कैसे रहे हैं, गेट बना रखा है मैंने नेदर में, ये स्पॉन हो जाते हैं क्या वहाँ? स्लैब लगानी पड़ेगी सारी जगह। बाय द वे, ये हमारी न्यू किटी है, ये मेरे को मिल गई थी तो मैंने टेम कर ली। किटीज तो ज्यादा से ज्यादा हो तो अच्छा है, लाइक सारी किटीज मैंने मारी है अभी तक और कोई मेमोरी नहीं है, कोई अच्छी मेमोरी नहीं है, कोई वो नहीं है अटैचमेंट वगैरह। सो मैंने यहाँ पे ये विलेजर तैयार किया है और ये मेरे को दे रहा है एफिशिएंसी 4। अब मैं एफिशिएंसी 5 के लिए बहुत लगा रहा, यहाँ पे बहुत टाइम लगाया, 25 मिनट लगा ही रहा मैं ये चेंज करने में, बट भाई इसने एफिशिएंसी 5 नहीं दी मेरे को, एफिशिएंसी 4 बल्कि इसने 3-4 बार दी मुझे। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि अगर तुम्हारे पास दो पिकैक्स हो जिसपे एफिशिएंसी 4 लगी हो और तुम अगर उन्हें कंबाइन करते हो तो तुम्हें रिजल्ट में एफिशिएंसी 5 मिलती है, जो कि वही चाहिए मेरे को। तो जब बड़ा दुख हुआ जब मुझे ये पता चला, क्योंकि 3-4 बार एफिशिएंसी 4 दी थी और मैंने इसे गालियां दी थी कि हरामजादे मेरे को एफिशिएंसी 5 दे दे भाई, पर इसने नहीं दी। पर इसने अब दोबारा ट्राई करके मैंने एफिशिएंसी 4 तक ले आया इसे, और अब मैंने दो पिकैक्स पे एफिशिएंसी 4 लगा रखी है। ये पड़ी हुई थी मेरे पास, ये टूटी फूटी पिकैक्स पहले, और एक और है मेरे पास अब जो मैंने नई बनाई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, ऑफ कैमरा चीज है, पता नहीं मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल टास्क है। मेरे पास दुनिया भर के डायमंड्स थे, मैंने वो यूज कर लिए। एनीवेज, अब क्योंकि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो हमें मिलेगी एफिशिएंसी 5 वाली पिकैक्स। बाकी दोनों पे देखोगे तो एफिशिएंसी 4 है, लेकिन रिजल्ट में हमें मिल रही है एफिशिएंसी 5, और यही हमें चाहिए। वीडियो के 4 मिनट का सेक्शन सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरे को एफिशिएंसी 5 कैसे मिली और क्यों चाहिए मुझे। ओके, अब क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी 5 वाली पिकैक्स है, हम तबाही में चाह सकते हैं नेदर में जाके। उससे पहले यार मैं इसे मार दूं, ये थोड़ी सी अनोइंग लग रहे हैं, हालांकि कुछ करता नहीं है ये, पर फिर भी। मैं बहुत सारी मैग्मा क्रीम लाया था, यस, क्योंकि हमें फायर रेजिस्टेंस के पोशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तबाही मचाने वाला हूं नेदर में। मैं एक्चुअली थोड़े से पेड़ भी तोड़ लाता हूं, मेरे को स्कैफोल्डिंग भी बनानी है। स्कैफोल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक से बहुत ज्यादा सही है, वैसे बिल्ड करना तो आसान होता ही है, मेन चीज है कि ये मेरा विलेजर है और मर ले यहाँ पे, मेरी विलेज में क्यों नहीं रहता तू। मेन चीज स्कैफोल्डिंग की इजी इसलिए है क्योंकि नीचे आना आसान है, तुम्हें तोड़ने नहीं पड़ते। भाई मैं नहीं मारूंगा, वैसे तो अब ये विलेजर है, चलो मरी गया। ओके, पोशंस तो बहुत सारे बन गए, इनको रख देता हूँ, इतने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैलिब्रेटेड स्कल सेंसर, वाह भाई, चीजें ही ऐसी ऐसी हैं, आधी तो पता ही नहीं है। स्कैफोल्डिंग क्या रेसिपी क्या है उसकी? ओ बैम्बू, तुम्हें बैम्बू चाहिए उसके लिए, आई एम प्रिटी श्योर ऐसा ही सीन है। आई एम श्योर ट्रेवल करूंगा तो मिल जाएगा, पर भाई है ना, ना मिला तो कब तक ट्रैवल करता रहूंगा। मेरे को अपना स्पॉन बहुत अच्छा लगता है, वैसे सारी बायोम्स है, वो स्टोनी पीक है या आइस, और वहां पे ये फॉरेस्ट है, वहां पे फिर स्टोन आ गए, लाइक है सीन, थोड़ा बढ़िया है ये। चलो कोई ना, हम लोग तैयार है, वैसे बाद में बना लेंगे। ये फ्लेचर है यहाँ पे घूम रहा है, बढ़िया। कैट, ओ मेरे पास फिश नहीं है, प्योर वाइट, या टेम कर लेते हैं इसे भी, तो ज्यादा भाग भी नहीं सकती, फंसी पड़ी है यहाँ, तेरे को फंसना ही पड़ेगा मेरी फैमिली में। ओके, तू थोड़ा सा अब इधर आ जा, यहीं पे बैठ जा, चलो भाई। अरे इसे यहाँ रखूँ, घास से पंगा हुआ, इनकेस गोल्ड है। ओके यार, सो मैं यहाँ से गया था ऐसे, भाई साहब स्पीड देख रहे हो तुम, मजा आएगा।
मैं मशीन गन बन जाऊंगा, छली छली कर दूंगा इस जगह को। ओके, हम वाइब 15 पे हैं, मैं 2-3 नीचे और जा सकता हूँ। और मेरा प्लान है कुछ ऐसा कि हम पियेंगे ये फायर रेजिस्टेंस और बस तबाही मचा दो ऐसे। लाइक TNT भी इतनी फास्ट नहीं है ब्रो, ये देखो तुम बस। ऐसे मिलेंगे हमें एंशिएंट डिब्री, पूछो मत कहाँ है एंशिएंट डिब्री, दे दो। बट डरते नियम लावा वावा से। कितना नीचे जाऊं क्या? और इसी पे ही मिलती है वैसे तो, यही है पोजीशन। देख भी नहीं रहा मैं कुछ। ओके, कुछ है, कुछ मिला, रिवील हुआ। भाई लावा ही लावा हो जाएगी ऐसे तो, मेरा हेलमेट टूट जाएगा यार। अरे हाय, कितनी लावा है भाई, पूरा पूल खोल दिया मैंने तो, गलती जगह आ गए हम तो। अरे हाय, कहाँ हूँ मैं भाई? पूल के बीच में हूँ मैं तो, मेरे को लग रहा है ना यहाँ काम नहीं चलेगा। अपने पास बहुत जगह है, दूसरी साइड जाके देखते हैं। ठीक है भाई, मैंने बोला था लावा से दिक्कत नहीं है, पर अनोइंग तो है ये। सी TNT जितना धमाका कर रहा हूँ मैं, 2 सेकेंड में TNT जितना ब्लास्ट करेगी। मिला मिला मिला, अरे बाप रे, पूल ही खोल दिया मैंने दोबारा। बढ़िया, हाँ नाइस भाई। यार नाइट विजन पोशन होता ना, वो भी ठीक होता, तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि। और ओ भाई साहब, मैक्सिमम कितने मिलते हैं ये? 3 मिला मेरे को, नाइस बढ़िया। ये लेवल ठीक है ढूंढने के लिए, मेरे को अपनी पिकैक्स पे ध्यान रखना पड़ेगा कहीं टूट जाए। हाँ नाइस, ये भी तोड़ता रहूंगा क्योंकि मेंडिंग लगी हुई है, रिपेयर भी होती रहेगी। भाई क्या सेटिस्फाइंग लगता है, कितना पावरफुल होना। भाई मानो या ना मानो, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। लाइक रेयर है ये चीज, लेकिन फिर भी देखो कितनी इजीली, कितनी मिल गई, 7 मिल गई मेरे को ऑलरेडी। अगर तुम्हें TNT के वो बनाने आते हैं ना, लाइक वो मशीन्स जो ऑटोमेटिक TNT बॉम्बिंग करती है, फिर तो वो बढ़िया है। बट वरना तो यू नो, सिंपल नॉर्मल बंदों के लिए ये ठीक है जो माइनक्राफ्ट नर्ड नहीं है। और मैं पागलों की तरह जो है ना लगा पड़ा हूँ इसमें, मेरा वो भी खत्म हो गया फायर रेजिस्टेंस। 20 minutes later भाई मैंने कर्स वर्स लगा दिया, क्या एक भी नहीं मिल रही अब है? पिकैक्स खत्म हो जाएगी ऐसे तो। फाइनली यार, मेरे बोलने से कर्ज टूट गया क्या? पता नहीं कैसे काम कर रही है ये चीज, पर देते रहो मुझे प्लीज। वाओ यार, ऊपर मिल रही है ये तो। मैं भी एक दो नीचे खोद रहा हूँ, ज्यादा कह भी नहीं सकते। अभी 4-5 है ना, ये 15 से 10 से लेके 15 तक ऐसे कुछ है, कहीं भी मिल सकती है सही बताऊं तो। ऐसे ही तुक्के मारो। ये तो भाई खत्म हो ली, और अभी तक 13 ही मिली मेरे को बस। आई थिंक मेरे को ऊपर चले जाना चाहिए अब। ओ भाई साहब, मेरे को सच में ऊपर चले जाना चाहिए, कहीं ये टूट जाए ना। सही तरीका है ये, सही में। बस फायर रेजिस्टेंस के पोशन वोशन चाहिए होते हैं तुम्हें, बहुत बढ़िया तरीका लगता है मेरे को तो ये। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसे यूज कैसे करते हैं मेरे को तो यही नहीं पता। इसे जलाते हैं क्या? हम जलाते हैं ना, हाँ ठीक है। फिलहाल तो मुझे XP चाहिए थोड़ी सी भाई, XP दो दूँ। ओके, अब हम बना सकते हैं नेदराइट इनगोट। वाह, कितनी? 3 बस 3 कोई बात नहीं, बढ़िया। सो अगर मैं अपनी पिकैक्स को रखूं यहाँ, एंड ये या रिपेयर भी हल्की सी हो रही है, पर ये हमारा पहला नेदरराइट टूल है। खुश हो जाओ, बढ़िया। आई थिंक अब सीधा प्रोडक्शन पे चले जाते हैं, क्योंकि फिलहाल तो हम किसी से लड़ भिड़ नहीं रहे। इन दोनों को भी कर देते हैं पूरा भाई, ये एंड ये, ये बात धीरे धीरे कवर हो ही जाएंगे। वेट, मैंने मैंने इसको कर दिया, मेरे को इसको करना था। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से चलते हैं भाई। इस बार नेदरराइट का पिकैक्स है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। आई थिंक उन्होंने ना 15 के चंक में इतने सारे ये क्रिस्टल इसीलिए डाले हुए हैं, बिकॉज उन्हें पता है लोग ये तरीका यूज करेंगे। बहुत बड़े बड़े चंक मिल रहे हैं इनके, तो मेंडिंग लगा के लोग स्ट्रिप माइनिंग करें, चाहे कैसे भी करें, अगर उनके पास एफिशिएंसी 3 नहीं है तो 5 भाई 5 से इतना मुश्किल हो रहा है बहुत। अभी भी कितने 7 ही है बस। 20 minutes later तुम्हें शक होने लग जाता है कि तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, इतनी देर से मिल नहीं रही, और उसके बाद एक मिलती है और तुम्हें लगता है हाँ ठीक है भाई सब सही चल रहा है इसका मतलब। पता नहीं कहाँ, बहुत रेयर है सही में ये, एक दो ही मिलती है, कभी कभी लक है तो 3-4 मिल जाएंगे, वरना भूल जाओ। अभी मिला है भाई इतनी देर बाद ये 2 का चंक। तो चंक छोटे चंक क्या, ब्लॉक क्या हो इन्हें? 2 ब्लॉक मिल रहे बताओ इतनी खुदाई करने के बाद। सही में तुम्हें शक होने लग जाता है
कि भाई जहाँ मैं कर रहा हूँ ना ये वहाँ पे है ही नहीं, और उसके बाद अचानक से एक दो दिख जाता है और तुम्हें रिलीफ मिलता है। ओह भाई मुझे लगा बहुत सारा मिल गया। ये जो ब्लैक आ रहा है ना बीच बीच में, ये अनोइंग है थोड़ा सा। यस ओके भाई, तरीका तो है, ये मानना पड़ेगा। कितनी TNT बनाता मैं पता, मैंने कम से कम 25 कीले खोद दिए होंगे नीचे पूरा, लेकिन महल बना सकते हैं, इतने गड्ढे कर दिए होंगे मैंने। लिटरली पिगलिन स्पॉन होने लगे नीचे, इतना मैसिव हो गया गड्ढा। आई थिंक वैसे मेरे पास मोर देन इनफ है, क्योंकि जो टूल्स मेरे को चाहिए जितने यूज़फुल, जिनको मैं नेदरराइट में कवर करना चाहता हूँ, उसके लिए तो मिल गई है मेरे को। ओ और 17 भाई, मोर देन इनफ है यार, निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। ओ इतनी यूज़ कर पाऊँगा ना मैं, टूट तो नहीं जाएगी है। टूट गई ना, हो गया अपना काम, मेरे पास टूल्स भी नहीं है। गड़बड़ लग रही है मेरे को। शिट यार, इनको ना परसेंटेज दिखानी चाहिए कितनी रह गई। भाई कितना ऊपर आ गया मैं, 105, कहाँ हूँ मैं? ऐसे तो ये पक्का टूट जानी है। नाइस, ये सही है। ओके कहाँ निकालेगा भाई तू? ओपन जगह, यस चलो ए। ओ भाई अभी गिर जाता हूँ, फेदर फॉलिंग भी शायद ना बचा पाते, बहुत ऊंचा है तो बचा लेते। ओ मुझे अपना लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई थिंक मेरा ही स्ट्रक्चर है वो, या मेरा ही है, शुक्रिया। थोड़ा सा और तोड़ दूँ। ओके डर लग रहा भाई, जब मर्जी टूट सके हो। ओके सेफ कर दिखाया भाई। तू भी अंदर आ जा, रुक। आ गया भाई सबसे शक्तिशाली बनने का टाइम, इसे करो गरम। 17 बहुत है, मेरे पास इतने स्टैक हो गए हैं नेदर रैक के, पूछो मत भाई। ओ यार ये ज्यादा आसान है, तो मैं कंट्रोल इन क्यू दबा सकता हूँ। चलो अभी क्योंकि हम बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं, अब बारी है एंडर ड्रैगन की तैयारी करने की, तो उसके लिए मुझे कुछ पोशंस बनाने पड़ेंगे। सबसे जरूरी पोशन तो हमारा फेदर फॉलिंग है ऑब्वियसली, उसके लिए मेरे पास फैंटम मेम्ब्रेन है। सो पोशन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए तुम लोगों को ब्लेज पाउडर चाहिए होता है, मेरे पास ये ब्लेज रॉड भी कम है, मेरे को इनके लिए जाना पड़ेगा। मैं एक्चुअली स्ट्रेंथ 2 बनाऊंगा, और मेरे को तो हाँ एक ही चाहिए, लाइक 3 बॉटल्स इनफ है, कहाँ एंडर ड्रैगन ही तो है। सबसे पहले तो इन गोड बनाओ, 4 1, 2, 3 and 4, ठीक तो है। इसको बल्कि बो को करूंगा मैं, क्योंकि इस पे मेंडिंग नहीं है। तो इनको उतारो, लगाते हैं भाई इस पे, ये लगा एंड देन ये लगा। ये अच्छा लगता है ये साउंड। बो पे लगा सकते हैं क्या हम? देखना पड़ेगा को, नहीं ये एंड ये नहीं। अच्छा हम इस पे लगा ही नहीं सकते, ओ एक्स्ट्रा ही है फिर तो मेरे पास। सॉर्ड पे लगा देते हैं, ये बात अभी हुई ना बात। अब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है हम, कोई टेंशन ही नहीं है। इस पे भी लगा ही दूं, शवल और हो उनको यूज ही कौन करता है इतना। शवल तो मैंने ले भी नहीं रखी अपने हाथ में, 9 पड़े हैं मेरे पास, सारे डायमंड फूक दिए मैंने इसी में। आई गेस एक्स पे ही लगा देते हैं, और करेंगे क्या इसका रखे रखे। पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, अब इसको ग्लोस्टोन डस्ट चाहिए मेरे को, हैगा मेरे पास ग्लोस्टोन है। वेट ये मैंने सिल्क टच से तोड़ा होगा जरूर, या अब इससे बनेगा पोशन स्ट्रेंथ 2, और उसके बाद हम उसे थोड़ा लेंथ में बढ़ा देंगे। ये होना चाहिए। ओ कम ऑन, नहीं हो सकता, 1.5 मिनट के लिए मिलेगा, पर 3 बॉटल मोर देन इनफ होनी चाहिए यार। हाँ ठीक है अभी बना देते हैं हम, नहीं ये नहीं करना, ये, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें फैंटम मेम्ब्रेन, जो कि मेरे पास 1 पड़ी है, और मुझे लगता है अगर ये 8 मिनट का बना तो मुझे लगता है 3 बहुत है, इतनी लंबी फाइट नहीं जाने दूंगा मैं। स्लो फॉलिंग, अबे ये तो 1.5 मिनट का बना है बस, वाह। आई होप इससे इसकी लेंथ बढ़ेगी थोड़ी सी, 4-4 मिनट के हैं फिर तो और बना लूंगा, या 4 मिनट का बना है। ओके चलो, ओ या मुझे तो ब्लेज पाउडर भी लाने पड़ेंगे, मेरे पास एंड पर्ल है, रखी होनी चाहिए। नहीं वाह, एंड पर्ल खरीदी नहीं मैंने आज तक। आई मीन इधर एक क्लरिक तो है, बेच रहा है भाई तू अभी भी, दिखाइयो जरा। हाँ अरे वाह बढ़िया लड़के,
सो आई ऑफ एंडर बनाने के लिए या हमें ब्लेज पाउडर चाहिए, काफी ब्लेज पाउडर चाहिए होगा मेरे को, 16-17 तो बनाऊंगा। ले आते हैं, पास में ही तो है, टाइम ही कितना लगेगा। फायर रेजिस्टेंस के पोशन भी पड़े हैं, अभी चलते हैं। ये किटी यहीं पे ही है, इसे जाना ही नहीं है भाई। ये ब्लॉब यहाँ क्या कर रहा है मेरे को, फायर के तो बनाने पड़ते रहते हैं तो मार देते हैं भाई। लूटिंग लगी हुई है, मौज है अपनी। तो मैंने इजी वाला तो तोड़ दिया था, तो मेरे को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। लाइक एक और है यहाँ पे, देखा है मैंने, बट उसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। या सो ये वाला तोड़ दिया था हमने, मैं यहीं से देखूं, दिख जाए तो। देखा तो है मैंने। वो भाई साहब, भाई ये तो यही तो गड़बड़ है, बस दिखा ही नहीं यहाँ पे गड्ढा। ओ ब्लेस तो हो रहा, वैसे दिख रहा है वो तो। पीते हैं भाई, पीट पाट देते हैं इन्हें, मारेगा। ओ डरी गए हम तो। ओ भाई पंच लगा हुआ है, इससे ड्रॉप भी करते हैं और करेंगे भी तो फायदा क्या, इतनी दूर जाके करेगा तो। वो रहे ना बहुत सारे, इस पे भी नॉकबैक लगा हुआ है, पर बात तो ये है। हमारा स्पॉनर कहाँ है मेरे भाई? अब ये इतना दूर दूर तो उड़ जाएंगे, बिना स्पॉनर के कैसे मिलेगा मेरे को? ये क्या? हाँ यार मैं वही कहूँ ना, मैंने कवर कर दिया होगा इसे। मैं इतना दूर दूर चक्कर काट रहा हूँ, ये तो बहुत पास में है। वो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक काम चल जाएगा इससे। वो मेरे को सॉर्ड से मारना चाहिए ना वैसे, लूटिंग है ना क्योंकि इस पे। या डबल डबल देंगे, ये तो ऐसे ही मर जाएंगे उगते ही। 10-12 ना आ जाए बस। 28 बहुत है, निकल रहे हम। कितने स्केल्टन्स को मार लिया मैंने, हेड नहीं मिला मेरे को एक भी भाई। लूटिंग 3 है, तुम लोग मुझे जाने दोगे भाई? गणेश आ रहे हैं तो। ओ शेट, गलती तो नहीं कर दी मैंने ना। तो अंदर ये स्पॉन हो रहे हैं कि यहाँ पे स्लैब लगा रखी है भाई मैंने। ये आती क्यों नहीं मेरे साथ? आजा भाई इधर आ, चली गई। आ गई भाई, बैठ यहाँ पे। 12 आई ऑफ एंड के एंड पर्ल और चाहिए होंगे मेरे को। ये बना लूँ क्या एक? मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं अभी ये तो। ओ भाई बहुत पड़ी हैं सही में, हम तो मक्खन जिंदगी जी रहे हैं बिल्कुल। ब्रूइंग स्टैंड ये हम बना सकते हैं। इतना कबाड़ा पड़ा है पर कॉबल स्टोन नहीं है मेरे पास, बढ़िया। हाँ? 3 कॉबल स्टोन लिए और इस केव को मैंने बाकी के 2 कॉबल स्टोन से पैच कर दिया। बहुत ही स्मार्ट हूँ मैं। ओके ब्रूइंग स्टैंड, अब ये अगर मैं वहां ले जाऊं तो होपफुली वो लाइक वो हो जाए रीसेट, लाइक उसका ट्रेड। कहाँ यहाँ रखूं? हुआ कुछ भाई? सितारे से तो आए नहीं, ये रीसेट तभी होगा जब सितारे से आएंगे इसके पास ना। यहाँ रख दूं क्या मैं? इसके ऊपर रख सकता हूँ? ओ अब तो काम करना ही चाहिए भाई। देखते हैं थोड़े टाइम बाद रीसेट हो जाएगा तो। यहीं से मिल जाएंगी सारी एंड पर्ल। एंडमैन्स को भी मार सकता हूँ मैं नेदर में जाके, बट यू नो मारने की जरूरत क्या है जब मेरे को आराम से मिली जाएंगी यहाँ से तो। स्ट्रेंथ पोशन तैयार है, मैं बिल्कुल आर्मर में हूँ। स्कैफोल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को बैम्बूस के लिए चले जाना चाहिए यार। मेरे को बैम्बू ढूंढने चाहिए। स्कैफोल्डिंग बहुत सही रहेगा एंटर ड्रैगन के अगेंस्ट, अगर वो उड़ा के नीचे भी गिराया तो मैं उसी स्कैफोल्डिंग पे दोबारा चढ़ पाऊंगा। वैसे तो मेरे पास यही इतने सारे हैं भाई, जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए है ना, दुनिया भर के ये हो रहे हैं। पर इनका चक्कर क्या है ना, ये इन्वेंटरी भर देंगे और स्कैफोल्डिंग तो नीचे से एक तोड़ूंगा तो शायद सारी टूट जाती है वो बैम्बूज की तरह, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं भाई, रेडी से ही है हम, कुछ नहीं अब चटका देते हैं उसकी गुद्दी बुद्दी और क्या। बिल्कुल तैयार हूँ मैं, बहुत स्ट्रांग हूँ। चलो भाई फिर आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। हम फाइनली नेदरराइट आर्मर में आ चुके हैं और अब बस नेक्स्ट एपिसोड में स्ट्रांग होल्ड ढूंढ के थोड़ी सी तैयारी करके और लड़ते हैं फिर एंडर ड्रैगन से। आई होप तुम लोगों को मजा आ रहा है इस सीरीज में, मुझे नहीं लगा था मैं इतना आगे तक आ जाऊंगा। डैम, मुझे बताओ तुम लोगों को ये प्रोग्रेस कैसी लगी कमेंट्स में। और बाकी मैं चला, गुड बाय।